अब सब लोग जो स्ट्रेट टाइम्स देखते हैं, हमारी यही कोशिश रहती है जब भी कोई अहम खबर होगी उससे हम आपको जो है वो जागरूक करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से जानते हैं कि आज जो है वो रेड क्रॉस जो है और हर जगह पे ये मनाया जा रहा है। इसी के चलते अगर हम टोडा की बात करें, हमारे मेडिकल कॉलेज टोडा के ब्लड बैंक में भी ये मनाई जा रही है और परचर के जो है हिस्सा लिया। मगर हम आपको ये भी कहना चाहेंगे जिस तरीके से अमूमन यहाँ पर ब्लड बैंक से जो है अवेयरनेस की जाती है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जाती है, मगर अभी भी हमारे कुछ दूर दराज इलाके हैं, जो अगर हम डिस्ट्रिक्ट टोडा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट टोडा जो है बहुत बड़ा इलाका है, मगर अभी तक भी लोग जो है इस चीज़ से अवेयर नहीं है। फिर भी यहाँ पर जो है CRPF के, पुलिस के और दूर दूर इलाके से यहाँ पर आते हैं, वो ब्लड यहाँ पर डोनेट करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेट करने से लोगों में जो है वीकनेस आ सकती है, हम लोग जो है वो कमजोर हो सकते हैं। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित कौशिक, इंचार्ज पैथोलॉजिस्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टोडा ब्लड बैंक, इनसे जो है जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरीके से आज रेड क्रॉस डे है और बहुत सारों ने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है, किस तरीके का कोऑपरेट रहा यहाँ पर लोगों की तरफ से? फर्स्टली जो रेड क्रॉस डे है ये एक्चुअली हम मनाते हैं एक बर्थडे ऑफ हेनरी डुनेंट, जो एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई है, रेड क्रिसेंट सोसाइटी, जिनका ये मोटो है कि हमें ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो वी हैव टू हेल्प ईच अदर। सो उसी थीम बेसिस पे हमने आज ये एक ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया था DC साहब की मदद से, और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हेल्प किया, डोनर्स प्रोवाइड किए। तो मोटो यही था, DC साहब वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यू नो डोनेट द ब्लड, तो उनका यही मोटो था कि द पीपल विल फॉलो हिज एग्जाम्पल। एंड You know, when I asked him whether you have a आपका BP तो नहीं high रहता, बोलते हाँ रहता है, in spite of that fact he donated blood, तो control रहता है उनका। तो मेरी यही एक you know it is my opinion and it is my गुजारिश है, request है सब लोगों से कि they should come forward for voluntary blood donation। ऐसा नहीं कि आपका जब patient बेचारा बीमार होता है तभी आपको ब्लड डोनेशन, वो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट डोनर, तो रिप्लेसमेंट डोनर का कॉन्सेप्ट हमने खत्म करना है। हमने आना आगे वॉलंटरी डोनेशन के लिए, अगर आपकी एज 18-60 इयर्स ओल्ड है और प्लस आप का हीमोग्लोबिन 12.5 से ज्यादा है, आप 45 kg से अबो हो, यू कैन डोनेट योर ब्लड। और ऐसा नहीं है कि इससे आपको कमजोरी होगी या कुछ होगा। मैं पिछले डोनेशन के आप में भी बोल चुकी हूँ कि आफ्टर एवरी 3 मंथ्स यू कैन डोनेट ब्लड। क्यों? क्योंकि आपकी जो RBC का लाइफ साइकिल होता है ना, वो 120 डेज तक ही होता है, यानी वैसे भी उस RBC को डिजेनरेट हो नहीं, उसको खत्म हो नहीं है, तो क्यों ना हम डोनेट ही कर दें। और मैं पिछली बार भी बोल चुकी हूँ कि ब्लड डोनेशन का एक फायदा होता है, एक तो आपके जो ब्लड है ना इसका हो जाता है एक इसका एक छन्नी सी लग जाती है, 5 ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के आपको पता चल जाता है कि कहीं वो तो नहीं है, जैसे मलेरिया, सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस, ये सब हम देखते हैं। उसके बाद आपको सबसे बड़ा आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आपने कुछ किया, किसी के लिए कुछ डोनेट किया। सो आई डोंट थिंक समथिंग इज बेटर देन दैट, कि वो जो आपको इनर पीस मिलता है, तो दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज आस्किंग पीपल टू डोनेट ब्लड। और अगर कुछ इलनेस होगी वो हम पहले ही स्क्रूटिनाइज करते हैं कि अगर आप इल हैं तो हम पहले ही आपको यही से बोलेंगे आप जी मत दो। मैम, एक चीज आपसे जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि जो ब्लड देने वाला होता है ये एज पे डिपेंड होता है, यानी कि वो किस एज तक दे सकता है, यानी अगर डायबिटीज या क्रोनिक इलनेस है, जॉन्डिस है, और बहुत सारी कंडीशंस है, बट अगर नॉर्मल बीइंग है 18 से 60 तक एज है, आप डोनेट कर सकते हो। मैम, जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों का जो है वो कॉपरेट यहाँ पर अच्छा नहीं रहता है, जिस तरीके से आप जानते हैं कि टोडा जो है बहुत बड़ा इलाका है, दूर दराज यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, जैसे वो कहीं पर हादसे होते हैं उस वक्त हमारे ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल नहीं होता है, हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप क्या कहते हैं, जिस तरीके से लोगों के अंदर एक डर सा रहता है कि अगर हम ब्लड देंगे हम लोग जो है वीकनेस आ जाएगी, कमजोर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये जो है 3 मंथ में जो है वापस आ जाता है, इससे कोई वीकनेस नहीं होती है, मगर आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन लोगों को आना चाहिए आगे, जिस तरीके से आज भी हम देखते हैं हमारे किसी ब्लड बैंक में UP से, केरला
से सीआरपीएफ के जवान आते हैं, मगर हमारे यहाँ पर लोकल आगे नहीं आते, उनके लिए क्या? वही मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा है, कि हम क्यों डरते हैं ऐसे डोनेशन से। अगर आपका 12.5 से अबो है एचबी, यू कैन एनी टाइम डोनेट योर ब्लड। और मैं ये बार बार कह, चूंकि वैसे भी 3 मंथ्स के बाद आपकी ये आरबीसी डिजेनरेट होनी है, तो क्यों ना किसी और को इससे फायदा उठवाए। तो वॉलंटरी डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, उस वक्त पता क्या होता है, हमारे पास होता है ब्लड लेकिन उस पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं होता है, जैसे ओ नेगेटिव नहीं होता है, ओ पॉजिटिव नहीं। फिर हमें एनजीओ को कॉल करना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि आप रेडी रखो बंदा। सो इससे बेटर होता है कि आप लोग जो भी, क्योंकि हम सोसाइटी में देखते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग, लाइक वी लाइक टू शेयर। हम तो एज ए ह्यूमैनिटी हम वी लाइक टू शेयर आवर, हम तो करते रहते हैं ना, दान सब करते रहते, मगर रक्तदान में हम पीछे पड़ गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कमजोरी होगी या कुछ और प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं। पहले डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, अगर उसको लगेगा ना आप वीक हो, फिर नहीं बोलेगा। सो वॉलंटरी डोनेशन अगर आप आ रहे हो तो हम अच्छे से आपको एग्जामिन करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपको इन्फेक्शन है तो वो दूसरे को नहीं लगना चाहिए। तो अच्छे से हम स्क्रूटिनाइज स्क्रीन करके ब्लड आपसे लेंगे, और इससे कोई कमजोरी नहीं होगी, रादर यू विल फील बेटर। एंड इन फ्यू डेज इफ यू टेक गुड अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, जूस लोगे, मैटेनिक्स लोगे, तो आपका जो ये है ब्लड वापस उस लेवल पे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका कुछ एचबी कम हो जाएगा। लेडीज का यूजुअली क्या होता है, हमारे सेटअप में लेडीज का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है बिकॉज ऑफ देयर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो अगर कोई लेडी को 12.5 से एबो है एंड शी इज नॉट इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही है या ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ चुकी है 1 साल पहले, तो शी कैन ऑल्सो डोनेट, लेकिन उसका एचबी लेवल 12.5 से एबो होना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुमित खुर्शीद। आप जानते हैं कि जब से यहाँ पर गांव मेडिकल कॉलेज कूड़ा आया है तो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, अगर हम ब्लड बैंक की बात करें तो अवेयरनेस के अंदर बहुत सारे करते रहते हैं, ये लोगों को जागरूक करने की जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। और हम स्पेशली डॉक्टर सुमित जी का कहना चाहेंगे, जिस तरीके से ये लोगों को जो है समझाते हैं, अवेयरनेस जो है वो कैंप कराते हैं, इंचार्ज ब्लड बैंक है ये, और अक्सर इनकी तरफ से यही अपील रहती है लोगों से कि आगे आइए, आपकी जो वीकनेस है वो नहीं होगी। यानी कि अगर आप ब्लड देते हैं, ब्लड देने से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपके अंदर जो है एक नया ब्लड आएगा, नया ब्लड जो है आपकी बॉडी के अंदर आएगा, और ये काफी आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। इससे कोई वीकनेस नहीं है, इससे कोई कमजोरी नहीं है। हम भी आपसे अपील करते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से भी हमारी यही अपील रहेगी कि आप लोग आइए, बढ़ चढ़ कर ब्लड बैंक में आइए और अपना ब्लड जो है वो डोनेट कीजिए। जिस वक्त हमारे पास अगर हादसे होते हैं उस वक्त हमारे पास ब्लड अवेलेबल नहीं रहता है, उसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत होता है, हमारे पेशेंट जो होते हैं उनको यहाँ से रेफर होना पड़ता है। उसकी वजह और उसका कारण एक ही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ब्लड अवेलेबल नहीं होता है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो आगे नहीं आते हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, वो सब आगे आते हैं, वो कोई केरला से है, कोई और किसी जगह से है, वो लोग ब्लड देते हैं। हमारे अपने लोगों को भी आगे आना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, आपकी राय क्या होगी इस सब पे, आप अपनी राय हमारी कन्वर्सेशन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही देख रहे हैं।